अब जिस सब टाइप ऑफ रिटेलर की हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं वो है वैरायटी स्टोर्स या वैरायटी रिटेलर्स इस तरह के रिटेलर्स नॉर्मली प्राइस पॉइंट रिटेलर भी कहलाते हैं इस तरह के रिटेलर्स नॉर्मली प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये प्राइस पॉइंट रिटेलर भी कहलाते हैं अगर आप अपने नियर बाय लोकेशंस के ऊपर इस तरह के स्टोर्स को देखना चाहते हैं तो यू विल फाइंड वेरी गुड एग्जांपल जिस तरीके से डॉलर शॉप जिस तरह वन डॉलर शॉप की नॉर्मली जनरली एग्जांपल देते हैं दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के अंदर यू विल फाइंड वन शॉप मे बी यू विल फाइंड वन जवान शॉप यू विल फाइंड वन जन शॉप तो इस तरह के तमाम करेंसी के हवाले से आपको फिक्स करेंसी के हवाले से यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास जब हम बात करेंगे इस तरह के वैराटी स्टोर्स की पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस तरीके से आपको वन डॉलर शॉप की एग्जांपल नज़र आएगी तो इट कैन बी हंड्रेड रुपी शॉप नॉर्मली एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट इज द टारगेट इसीलिए ये प्राइस पॉइंट रिटेलर भी कहलाते हैं नॉर्मली इस तरह के जब रिटेलर्स की हम बात कर रहे होते हैं तो ये इन एक्सपेंसिव हाउस होल्ड आइटम्स को सेल कर रहे होते हैं इन एक्सपेंसिव हाउस ऑफ आइटम्स का जब हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी प्रोडक्ट आइटम्स हो सकती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट आइटम्स बेसिक फूड प्रोडक्ट पैट फूड प्रोडक्ट के हवाले से फिर उसके बाद तमाम तरह की हाउस होल्ड आइटम्स हाउस होल्ड की हम बात करते हैं तो हम किचन एक्सेसरीज और इसके अलावा तमाम तरह की चीज़ें बेशक वो ग्लासेस हैं बेशक वो कटलरी है, बेशक वो प्लेट्स हैं बेशक वो पॉट्स एंड पैनस हैं सो so तरह की कैटेगरी जो कि हाउस होल्ड आइटम्स के अंदर क्वालिफ़ाई कर रही हैं वो नॉर्मली इसके अंदर हम कंसिडर कर रहे होते हैं इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो पेट फूड की बात कर रहे होंगे कंज्यूमेबल्स की बात कर रहे होंगे बेशक वो मोटर बाइक के कंज्यूमेबल हैं बेशक वो गाड़ी के कंज्यूमेबल हैं इसी तरीके से तमाम तरह की गार्डनिंग इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तमाम तरह के सीजनल आइटम्स की बात कर रहे हैं तमाम तरह के गिफ्ट आइटम्स की बात कर रहे हैं सो नॉर्मली इस तरह की चीज़ें जो कि एक आप आपको एक आम डॉलर शॉप के ऊपर नजर आएगी एक आम वराइट स्टोर के ऊपर आपको नजर आएंगी वो इसकी तमाम

क्योंकि नॉर्मली कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने के लिए प्रोडक्ट को बल्क क्वांटिटीज में बाय करते हैं और सेल करते हैं टू द एंड कंज्यूमर इन द स्मॉल क्वांटिटीज तो ये तभी मुमकिन है जब नॉर्मली ये चेन की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर बेशक हम एशिया की बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया चाइना जापान वियतनाम इस तरह के कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं या हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं या हम अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं तो तमाम कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको इस तरह के स्टोर्स नजर आएंगे वो प्राइस पॉइंट नॉट नेसिससारिलली कि वो हमेशा वन डॉलर ही हो या वो वन यूरो ही हो या वन यूआन ही हो या वन यन ही हो इट कैन बी हंड्रेड रुपीज़ इट कैन बी फाइव हंड्रेड रुपीज़ इट कैन बी वन थाउजेंड रुपीज़ बट नॉर्मली एक फ़िक्स प्राइस पॉइंट जो है जिस तरीके से मैंने बताया वो एग्जिस्ट करता है इस तरह के रिटेल स्टोर्स के हवाले से अगर ये स्टोर का साइज़ एक लार्ज स्टोर हो तो नॉर्मली आपको यहाँ पे फ्रोज़न प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगी नॉर्मली आपको फ्रेश प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगी सेल होते हुए लेकिन नॉर्मली इस तरह के स्टोर्स के अंदर ऐसा बहुत कम है कि ये साइज में बहुत ज़्यादा लार्ज हों एक तकरीबन एक, एक एवरेज असाटमेंट कैरी कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्टिव होता है इनके पास प्राइस पॉइंट कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ उन एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड यन शॉप एक एग्जाम्पल है जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से इलेबरेट करी है एग्जैक्टली exactly इस कॉन्सेप्ट को कि एक फिक्स प्राइस पॉइंट है एक फिक्स रिटेलर प्राइस पॉइंट है जो कि सेल कर रहा है प्रोडक्ट्स को टू दिन कंज्यूमर और ये तमाम नॉर्मली हाउस होल्ड आइटम्स हैं जिस तरह की मैंने आइटम्स के बारे में आपको ब्रीफ किया आपको एग्जाम्पलीफाई किया दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास यानि कि वन डॉलर शॉप है अगेन एक गुड एग्जाम्पल हमारे पास है इंटरनेशनली पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट की बात भी बाद में करते हैं बी अगेन तमाम तरह की शॉर्ट पेंट सेल कर रही है मेजरली आपको यहाँ पर डेकोरेशन आइटम्स नज़र आएंगी मेजरली आपको सीजनेलिटी आइटम्स नज़र आएंगी इस तरह के स्टोर्स के अंदर आपको क्लोदिंग के आइटम्स नज़र आएंगी जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के, के हवाले से इसके ऊपर क्वालिफाई करती है इसी तरीके से हमारे पास पाकिस्तान के परस्पेक्टिव के अंदर वन डॉलर शॉप की एग्जाम्पल है जो कि एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी पाकिस्तान में और अगेन चेन की सूरत में एग्जिस्ट करती है डॉलर शॉप के ऊपर यू कैन गेट लेट्स से एनी थिंग इन हंड्रेड रुपीज विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट वन डॉलर फिर हमारे पास नाइनटी नाइन सेंट की एग्जाम्पल है जो कि अगेन एक आउटलेट है जो कि सेल कर रहा है प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर प्राइस कैटेगरी के अंदर लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास वन शॉप की है अगेन और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपको ये आउट कॉन्सेप्ट नजर आएगा वन का वो कैटेगरीज बेशक वो एक कैंडल हो बेशक वो एक कोई बेसिक सी आइटम हो जो कि डेली नेसेसिटी आइटम्स है वो तमाम तरह की प्रोडक्ट्स पेंसिल रबर शार्पनर और वो बेसिक बिल्कुल बेसिक आइटम्स यू कैन बाय इट इन वन फ्रॉम वन यूरो शॉप अच्छा नॉर्मली इस तरह का कस्टमर इस तरह के रिटेलर के पास जो कस्टमर प्रोफाइल कर रहा होता है वो नियर बाय लोकेलिटी का होता है तो ये बात समझना ज़रूरी है कि इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की जरूरत नहीं है इस तरह के स्टोर्स का नॉर्मली जो पॉजिटिव पॉइंट है जो प्लस पॉइंट है दैट इज़ द प्राइस पॉइंट जो कि इट्स सेल्फ नेम से ज़िक्र होता है नेम से नज़र आता है और नेम से ही टारगेट होता है कस्टमर को सो so, जब भी आप इस तरह के स्टोर्स की वैरायटी स्टोर्स की जब भी हम एग्जांपल्स की बात करेंगे तो फौरन आपको ये सामने तमाम एग्जांपल्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं इनको आप रिकॉल करें दे विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वराइटी स्टोर्स